हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं किसी भी आइकन के या किसी भी फाइल के नाम को चेंज करना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो फाइल बिना नाम के भी हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंप्यूटर है, ये बिना नाम के फाइल है। यहाँ पे रिसाइकिल भी नहीं, इसका भी कोई नाम नहीं। यहाँ पर ये फोल्डर है, यहाँ पर ये फाइल है, ये सब बिना नाम के, इनका कोई भी नाम हमने नहीं दिया हुआ है। तो आपको अगर नाम चेंज करना है तो आप फाइल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपको जो भी नाम देना हो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम दे दिया इमेज, एंटर किया, नाम चेंज हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की F2 भी होता है। आपको जो भी नाम देना हो आप यहाँ पे नाम दे करके एंटर करो, नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ये बिना नाम के हो, तो हम लोग सबसे पहले F2 दबाएंगे रीनेम के लिए, ऑल्ट के साथ 255, उसके बाद छोड़ देंगे, ऑल्ट छोड़ देंगे। फिर स्पेस 1 2 3 स्पेस दिया, या 2 स्पेस या 1 स्पेस, जितना भी आपको देना हो आप दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो आप यहाँ पे स्पेस दे रहे हो बाकी जो आइकन है उनसे स्पेस से अलग होना चाहिए। फिर उसके बाद आप एंटर करो, ये नाम चेंज हो जाता है। बस सिंपल सा, आपको कुछ करना नहीं है, F2 दबाना है। अगर पहले से कोई नाम मौजूद है उनको हटाने के लिए फिर से आप F2 दबाओगे, Alt 255 स्पेस एंटर, ये नाम चेंज हो गया। ओके, ये बस एक छोटा सा ऑप्शन था नाम को चेंज करने के लिए। ऑल्ट के साथ 255 का यूज करते हैं जिससे हम नाम चेंज हो जाते हैं। ओके।